नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराज मूवी के बारे में, जो कि जुनैद खान का एक डेब्यू मूवी है। इस फिल्म को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म का प्लॉट 1862 के महाराज लाइबर केस के ऊपर आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। महाराज की कहानी है करसन दास मूल जी, जुनैद खान जिन्होंने रोल प्ले किया है, एक जर्नलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर जो कि एक पावरफुल रिलीजियस लीडर जेबी महाराज जयदीप अहलावत के खिलाफ खड़ा होता है। करसन दास अपने होने वाली वाइफ किशोरी, जो रोल शालिनी पांडे ने निभाया है, वो इस गुरु के चक्कर में गिरते देख लेता है और इसके बाद वो इस गलत प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठाता है। ये फिल्म दिखाती है कैसे करसन दास अपने परिवार और समाज के खिलाफ लड़ता है जब लोग ब्लाइंड फेथ को एक्सेप्ट करते हैं। जुनैद खान ने अपने डेब्यू मूवी में अच्छा काम किया है, उनकी परफॉर्मेंस में सिंसियरिटी दिखती है, लेकिन कभी कभार उनके जो डायलॉग डिलीवरी है वो थोड़ी थियोरेटिकल लगती है। जयदीप अहलावत ने अपने रोल में बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है और कामनेस है वो फिल्म को डोमिनेट करते हुए दिखती है। शालिनी पांडे और शर्वरी वाघ ने भी अपने रोल्स में बहुत ही शानदार काम किया है, लेकिन शर्वरी वाघ के जो डायलॉग डिलीवरी है कभी कभार थोड़ी फास्ट लगती है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा का डायरेक्शन काफी एंगेजिंग है, लेकिन कहानी में कुछ पेसिंग इशू जरूर अपने को देखने मिलेगा। फिल्म की स्क्रीन प्ले अच्छी है, जो ड्रामेटिक मोमेंट से भरी हुई है, लेकिन कुछ सीन्स थोड़े स्लो लगते हैं जो फिल्म के फ्लो को तोड़ देते हैं। राजीव रवि की सिनेमाटोग्राफी फिल्म के विजुअल्स को और खूबसूरत बनाती है, जो 1860 के बॉम्बे के एटमोस्फियर्स को अच्छे से कैप्चर करती है। म्यूजिक भी इस फिल्म के मूड को एनहांस करता है, लेकिन कुछ सॉन्ग्स और भी इम्पैक्टफुल हो सकते थे ऐसा मुझे लगता है। महाराज एक इम्पोर्टेंट सोशल कमेंट्री है जो ब्लाइंड फेथ और रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ है। जुनैद खान ने अपने डेब्यू को प्रॉमिसिंग किया है और जयदीप अहलावत ने फिल्म को अपने परफॉर्मेंस से चमका दिया है। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामास पसंद है या फिर ऐसी कहानियां जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित है वो अगर आपको पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए महाराज मूवी देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपके ओपिनियन इस मूवी के ऊपर क्या है। बाकी ये वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।